अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्लॉगिंग के बाद और घूमना फिरना ना हो, ओहो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम एंजॉय करने पहुंच गए मिलेनियम मॉल, सुपर स्पेस, द इंडोर थीम पार्क। सो गाइस, हम भी पहुंच गए मिलेनियम मॉल सुपर स्पेस फन करने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं कैसा रहा हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस। मिलेनियम मॉल कहाँ है कराची में, वहाँ सुपर स्पेस कौन सी जगह पर है, वहाँ की क्या टिकट्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या बैन चार्जेस हैं, कौन कौन से एजेस के लिए कौन कौन से राइड्स हैं, ये सारी ही बातें सब आपको मिलेगा आगे जाके इस व्लॉग में। सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए वीडियो गेम्स, सॉफ्ट प्ले एरिया, राइड्स, ट्रेन्स, बहुत कुछ है। आप चाहें तो पर राइड टोकन भी ले सकते हैं और आप चाहें तो एक बैंड पहनें और सभी चीज़ें मज़े से इंजॉय करें। और भी फन करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, तो आइए चलते हैं कहीं और नहीं, इन द सुपर स्पेस मिलेनियम मॉल कराची। तो व्हाई डू वी वेटिंग फॉर, आइए अंदर चलते हैं मिलेनियम मॉल के और दिखाते हैं आपको मिलेनियम मॉल, जहां पर आप अपने लिए बहुत अच्छे से शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहां तमाम ही ब्रांड्स भी हैं और लोकल ब्रांड्स भी हैं। विंडो शॉपिंग करनी है या प्रॉपर शॉपिंग, आपको सारी ही शॉप्स यहां पे अवेलेबल होंगी। चीप प्राइस शॉप भी हैं और हायर प्राइस भी। ज्वेलरी, ड्रेसेस एंड शूज़ की ह्यूज वैरायटी। लेकिन आज हम यहाँ शॉपिंग करने नहीं आए भाई, आज हम जाने लगे हैं सुपर स्पेस जो फोर्थ फ्लोर पर है। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी से बहुत सारा फन करने। अब बहुत दूर नहीं है, जल्दी जल्दी से हम ऊपर जा रहे हैं एवेलेटर से। आप आइए सीधे मेन एंट्रेंस है और एवेलेटर लीजिए और डायरेक्ट आप फोर्थ फ्लोर पर जाइए, वहाँ पर आपको सुपर स्पेस सब बड़ा बड़ा नज़र आ जाएगा लिखा हुआ। सो देयर इज द सुपर स्पेस मिलेनियम मॉल, सो लेट्स मेक सम मेमोरीज। और हम अपनी मेमोरीज बनाने के लिए पहुँच गए हैं मेमोरीज बूथ में। आपको बाहर से एक टोकन लेना होता है 50 रुपीज़ में, उसके बाद आप अंदर जाइए। आपने बैंड लेना है तो बैंड बाय कीजिए, अदरवाइज आपको सेपरेटली टोकन से मिलते हैं अलग अलग राइड्स के। और अब हम जाने लगे हैं इनसाइड फॉर बाइंग अ बैंड। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत एनर्जेटिक, अंदर जाके ही आप बहुत फ्रेश फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो। एंट्री के साथ ही आपको मिलेगा यहाँ पर बर्थडे कॉर्नर। अगर आपके रिलेटिव्स में से या आपके घर में से या आपका बर्थडे है, आप यहाँ पर आके अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं विद स्पेशल पैकेज ऑफ बर्थडे। और अब हम पहुँचे हैं टिकट काउंटर और लेते हैं अपने लिए बैंड्स। मंडे टू थर्सडे आपका बैंड प्राइस रहते हैं 700 एंड फ्राइडे टू संडे आपके बैंड प्राइस रहते हैं 800, बोथ फॉर द किड्स एंड एडल्ट्स। एडल्ट्स में आपको 5 सेशंस मिलते हैं जिनमें से कुछ अनलिमिटेड होते हैं और कुछ पे टाइम लिमिट्स हैं। ये कहाँ जाके बैंड बनवाने, आप बनेंगे? $800 के पैकेज पर ये बैंड मिला हमें विद 5 राइड्स, जिसमें शामिल थे लेजर मेज, 4D राइड्स, बैटल फाइट, रॉकर स्टूडियो, हाउंटेड हाउस। छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे राइड्स हैं जिनमें सॉफ्ट प्ले एरिया, बाउंसिंग, और मज़े की बात है कि खाना पीना भी चलता रहता है एंड साइड पर। और ये रहा हमारा सेल्फी कॉर्नर, लेट्स मेक अ सेल्फी हियर। ये हम किस प्ले एरिया में घूम रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही कलरफुल राइड्स, ट्रेन्स, टोकन्स बेस्ड राइड्स हैं, गन शूट गेम्स भी हैं और ये कलेक्टिंग गेम्स मुझे बहुत पसंद है। आप भी अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आएँ, ये बहुत फन की प्लेस है, बच्चों के लिए एक अलग ही दुनिया है, बहुत इंजॉय करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं यहाँ पर आके, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। रिफ्रेशिंग आइटम्स भी थे, आइसक्रीम्स, गोल गप्पे और बहुत कुछ।
700 to 800 में किड्स के लिए इतना कुछ नॉट बैड, ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। तो फिर चलिए आपको ले चलते हैं हम अपने राइड्स की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आएगा 4D राइड्स, फिर आपको मिलता है यहाँ पर हॉन्टेड हाउस, लेज़र मेज। तो सबसे पहले हमने अपना बैन यूज़ किया लेज़र मेज में, अंदर बहुत फन किया, बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया, सलाम किया और फिर हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया किस तरह से हमने ये गेम खेलनी है। लेज़र से बचते हुए हमें 3 राउंड पार करने होते हैं जो मैंने विन भी किए। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम क्रॉ के रूम के बाहर आकर अपना वेट करते थे, कोई ना कोई इनसाइड में होता था और हमें वेट करना पड़ता था, तो हम वेट नहीं करते थे बल्कि दूसरी राइड लेने के लिए चले जाते थे। हमें मौका ही नहीं मिला यहाँ जाने का और कुछ सिंगिंग करने का, तो हमने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया बल्कि परमिशन ली कि हमें बाउंसिंग में जाने दिया जाए। बाउंसिंग एरिया में 12 ईयर्स तक बच्चे अलाउड हैं, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा फन करने के लिए हमें जाने दीजिए। तो बाउंसिंग के लिए आपको परचेज़ करने पड़ते हैं 100 रुपीज़ के ग्रिप सॉक्स। ग्रिप सॉक्स पहनने के बाद हम एंटर हो गए हैं बाउंसिंग एरिया में और यहाँ पर हमने खूब जंपिंग की, पंपिंग की, पता नहीं क्या क्या किया। हाँ, मगर इन लोगों ने हमें कहा था कि आपने ये एरिया बस यूज़ करना है, बच्चों के साथ बॉल्स वाले एरिया में आपको जाना अलाउ नहीं है, ब्लॉक्स वाले एरिया में आप जा सकते हैं। क्योंकि ये छोटे किड्स के लिए था बाउंसिंग, तो ये बाउंसिंग के जो एरिया था वो बहुत छोटे छोटे से पोर्शंस बने हुए थे, हम ठीक से अच्छे से बहुत जंपिंग और बाउंस नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने बहुत फन किया। ये दिखाने के लिए गाइस खुद आप आइए, अपने किड्स को लेकर खुद आइए, अपने फ्रेंड्स के साथ आइए और यहाँ पर आके अपने टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करके जाइए, बहुत फन करके जाइए। फिर हमें खेलते खेलते भूख लगी, खेलते खेलते भूख लगी, खालो बेटा मूँगफली, तो मूँगफली तो नहीं मिली हमको यहाँ पर, लेकिन यहाँ हमें पॉपकॉर्नस भी मिल गए और बहुत कुछ मिल गया, कोकोमो जेलीज वगैरह। बट हमने प्रेफर किया कि हमें लेनी चाहिए कॉटन कैंडी, तो हमने कॉटन कैंडी बनवाई अपने लिए जिसके प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ थे। आपको मेन्यू चार्ट और उसके सारे ही प्राइसेस यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर मिल जाते हैं, आपने जो खाना है यहाँ पर जो करें ले लें और मज़े से खा लें, खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं है। और हमारे साथ यहाँ ज्वाइन किया हमें मोइज़ ने, मोइज़ भी यहाँ पर थे और हमें उसने ज्वाइन किया। सो आइए मोइज़ को भी ले चलते हैं अंदर और बताते हैं भाई हमने क्या क्या फ़न करने लगे हैं, और मोइज़ ने वैसे मिलकर बहुत सारा फन किया था। अगेन हम अपने गेम सेशंस को स्टार्ट करेंगे और जा रहे हैं हम खेलने के लिए बैटल वॉर। बैटल फाइट में आपके पास, आपको दो टीम्स में डिवाइड कर देते हैं, 10 और 12 मेंबर्स होते हैं। वो बताते हैं हमें कि एक टीम के पास जो गन होती है उसकी लेज़र लाइट जो होती है, तो दोनों की रेड होती है, मगर आपके जो गन की एक प्रॉपर एक आइडेंटिफिकल लाइट है वो एक टीम की ग्रीन होगी, एक की ब्लू होगी। ग्रीन टीम ने ब्लू टीम को अटैक करना होगा, उसके सेंसर को अटैक करना होगा, और आपके गन पर एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो आपका गन नंबर होता है। एंड में आपको पता चलता है कि आपके कितने पॉइंट्स बने, आपने कितनी बार ऑपोजिट टीम के सेंसर को शूट किया, और आपने फिर अपने सेंसर का भी ख्याल रखना होता है कि आपके सेंसर को कोई शूट ना कर पाए, आपने बहुत अच्छे से इस फाइट को खेल कर आना है। और यहाँ हम पहुँच गए अंदर, यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था और लग रहा था कि वाकई हम तो बैटल फील्ड फाइटर्स बन चुके थे और ऐसे अटैक कर रहे थे एक दूसरे पे। ओ गन्स की आवाज़ें और फिर हमारा अपना शोर। बैटल फील्ड में जंग हार के हम पहुंच गए थे 4D राइड्स पर। हमने दो राइड्स ली थी और दो ही राइड्स अलाउ होती हैं, तो पहली राइड थी डायनासोर सफारी। से हेलो हेलो नवाज शरीफ को जेल में डाले वो आएगा, मैं कह रही हूँ डरो नहीं, नवाज शरीफ नहीं आएगा, डायनासोर अमेरिका।
राइड स्टार्टिंग से पहले मैंने बच्चों के साथ थोड़ी सी गपशप की और हमारी राइड स्टार्ट होने लगी थी. हमने फास्टन किए अपने बेल्ट और पहन लिए ग्लासेस. एंड हियर वी गो फॉर डायनो सफारी. ठीक है, मार मार के ओहो हालत ही हो गई थी. सीट बेल्ट के शिवर की वजह से वीडियो में बिल्कुल सही नहीं बना पाई. बहुत हम खुद भी बहुत हिल रहे थे, बहुत मूव कर रहे थे, बहुत जर्किंग हो रही थी, दैट्स व्हाई. लेकिन यहाँ बहुत फन किया हमने. आप ज़रूर आइएगा और ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा. At this moment we all say ew. ऐसा लगता है डायनो ने हमारी गाड़ी को ऊपर उठा लिया और उठा के जो फेंका. भाई हम तो सफारी से ही बाहर निकल गए. एंड दिस इज द मोमेंट हमारी फोर्टी राइड्स एंड हो गई. ये बहुत मज़ा आया हमको वहाँ पर. चलें जी डोर क्लोज, टाइम खत्म. अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं या नहीं भी हैं तो आपको लव करोगे में जाना चाहिए और वहाँ पे सिंगिंग के जौहर दिखाने चाहिए. हम नहीं गए क्योंकि जब भी हम अपने राइड से फ्री होते थे यहाँ पर कोई ना कोई होता था और हमें वेटिंग में डाल दिया जाता था. तो हम वेट नहीं करते थे बल्कि अपने राइड्स दूसरे इंजॉय करने चले जाते थे. राइड्स के बाद भूख लगी और हमने डिनर किया. आप भी जाइए, बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत ह्यूज राइड्स हैं. इंजॉय कीजिए लाइफ को. अपना ख्याल रखिए. बाय बाय.